नेटवर्क टिप ऑफ द डे में जो आज का मेरा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। मैंने कई बार देखा लोगों को जोश से, एक्साइटमेंट से जुड़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों का फोकस जो होता है अर्निंग पे होता है। तो फ्रेंड्स, अर्निंग पे फोकस ना करते हुए लर्निंग पे फोकस करें। अर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट। शुरुआत के छह महीने आपको लर्निंग के लिए डेडिकेट करना है। लर्निंग में सबसे पहले अपने आप को, आपको ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। सीखने पे ज्यादा जोर डालिए, क्योंकि हम लोगों को ही सीखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम अपनी टीम को सिखा नहीं पाएंगे। सब कुछ हमको सीखना है। ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, KYC कैसे करना है, स्टोर लोकेटर कैसे देखना है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, कई लोग सिस्टम में आते हैं लेकिन महीना दो महीने में ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। जैसे ही मार्केट में आप चले जाते हो, किसी ने आपको एक दो नेगेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आपकी कंपनी भाग जाएगी, आपकी कंपनी, आप गारंटी लेते हो क्या, ऐसे जब सवालों से आपका सामना होता है, आप क्या करते हो, आप अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करते हो और ये सिस्टम छोड़ जाते हो। लेकिन यदि आपने पहले छह महीने अपने सीनियर से या अपने मैनेजमेंट से या अपने ट्रेनिंग्स के माध्यम से इन सवालों को हैंडल करने की कला, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स, ये आपने अगर सीख ली, तो यकीन मानो दोस्तों, आपको दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नेगेटिव कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक और गोल्डन उसूल है कि हमने कई बार सुना है कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? ये हमने सुना है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता नहीं है, जो टिकता है वो बिकता है। तो टिकने के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर कोई बड़ा इतिहास रचना है, तो इस 2-3 साल के दौरान कुछ ऐतिहासिक काम भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐतिहासिक काम करने के लिए सीखने पे ज्यादा जोर डालें, अपनी टीम को लर्निंग एटीट्यूड डलवाइए। लर्निंग विल टेक यू टू ग्रेटर हाइट्स, है ना? ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लर्निंग का महत्व बताइए। अर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, आज की नेटवर्क टिप ऑफ द डे में था लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। हमारा स्टार्टर पैक सबसे बड़ा लर्निंग फैक्टर है। शुरुआत अगर किसी को कराते हो, तो बिना स्टार्टर पैक के किसी को ज्वाइन ना कराओ, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं जाएगा, वो सामने किसी को समझा नहीं पाएगा। तो कल हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। यदि आप नेटवर्क में किसी भी टॉपिक पर मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, राइट में सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो कल हम दोबारा मिलेंगे न्यू नेटवर्क टिप ऑफ द डे के साथ में। आपने इतने धीरज से मेरे इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।